वेलकम बैक टू माय चैनल मेक कुकिंग इज विद आराध्या। तो आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल के लड्डू। इसकी रेसिपी बहुत ही इजी होती है और एक इंस्टेंट रेसिपी भी है, मतलब 10 से 15 मिनट में ये बन के तैयार होते हैं। और तो और ये मेरी एक दिवाली स्पेशल रेसिपी है, सो हैप्पी दिवाली इन एडवांस एंड आई होप कि आप ये रेसिपी को दिवाली पर ज़रूर बनाएं। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 छोटी चम्मच घी, फिर इसमें हम डालेंगे 2 कप नारियल का बुरादा। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे और हमें फ्लेम को लो पर रखना है। एक से दो मिनट पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। दूध को होना चाहिए रूम टेम्परेचर पर और अभी भी हमें फ्लेम को लो ही रखना है। अब हम नारियल के बुरादे को दूध के संग अच्छे से मिला देंगे और फिर इसे लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के बाद नारियल के बुरादे ने सारे दूध को अब्सॉर्ब कर लिया है। तो इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप चीनी। पिसी हुई शक्कर नहीं डालनी है, जो नॉर्मल शक्कर होती है बस उसी को डालना है। मैं इसमें 1/2 कप प्लस 2 बड़ा चम्मच चीनी डाल रही हूँ। अगर आप अपने हिसाब से चीनी को कम या ज़्यादा करना चाहे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग को कम मीठा पसंद होता है और कुछ को ज़्यादा। अब हम इसे मीडियम फ्लेम में अच्छे से मिला लेंगे। तो हमें इस चीनी को पिघलाना है। कुछ की चीनी जो होती है, कुछ लोगों की चीनी जो वो यूज़ करते हैं, कुछ ज़्यादा ही पानी छोड़ती हैं और कुछ कम। तो फिर अगर आपकी चीनी कुछ ज़्यादा ही पानी छोड़ दे तो आप टेंशन ना लें। आप जैसे ही वो चीनी पिघल जाए आप नेक्स्ट स्टेप करिए, और जैसे कि आपकी चीनी पानी ना छोड़े जैसे कि मेरी ने नहीं छोड़ा, तो आप इसे नॉर्मली पका लें जैसे मैं पका रही हूँ। आप देख सकते हैं चीनी पिघल चुकी है और वो डिज़ोल्व भी हो गए है, और वो अब जो हमारा नारियल का बुरादा है वो शेप भी होल्ड कर रहा है। अब इसी स्टेज पर हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, और अगर आपकी चीनी ने कुछ ज़्यादा ही पानी छोड़ दिया है तो उसको 4 टेबलस्पून कर दीजिए मिल्क पाउडर को, और अगर आपकी चीनी ने पानी छोड़ा है लेकिन कम तब भी आप उसे 2 टेबलस्पून रखें, और अगर छोड़ा ही नहीं तब भी 2 टेबलस्पून। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे हमें तब तक मिलाना है जब तक जो मिल्क पाउडर है उसके कोई लम्स ना रहे और वो अच्छे से मिल जाए। जैसे ही आप देखें कि सारा मिल्क पाउडर अच्छे से मिल चुका है, आप गैस को कर दीजिए ऑफ और इसे हल्का सा मिलाकर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। आपको इसको पूरा ठंडा नहीं करना होगा लड्डू बनाने के लिए, इसे हल्का सा गुनगुना रखिएगा। अब चलिए लड्डू बनाते हैं। तो हम अपने हाथ को सबसे पहले पानी से धुल के अच्छे से पोंछ लेंगे। हाथ धुलना बहुत ही ज़रूरी होता है, स्पेशली इस कोविड के टाइम में। अब हम इसमें से थोड़ा सा नारियल का मिक्सचर लेंगे। आप उतना मिक्सचर लीजिए आपको जितने बड़े लड्डू बनाने हैं। अब हम इसे गोल शेप दे देंगे। हाथों के बीच दबाकर और हाथों के बीच रोल कर आप इसे शेप दीजिएगा। अब हम इसे अच्छे से हाथों के बीच घुमाएंगे। इससे क्या होता है, जो बाहर की कवरिंग होती है, मतलब जो आउटर कवरिंग होती है, उस पर जो क्रैक्स होते हैं ना वो नहीं रहते इस स्टेप को करने से।
अब हम इसमें इसे थोड़े से नारियल के बुरादे में रोल कर लेंगे। इससे प्रेजेंटेशन तो बढ़ती ही है, संग संग इसका टेस्ट भी और बढ़ जाता है। तो लीजिए, हमारा नारियल का लड्डू बनके तैयार है। आप चाहे तो आप इसे दोबारा हाथ के बीच में घुमा लीजिए ताकि इसके जो एक्स्ट्रा नारियल का बुरादा है वो निकल जाए। अब हम बाकी के लड्डू भी इसी मैनर से बना लेंगे। तो चलिए मैं आपको एक और बना कर दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा मिक्सचर लीजिए, फिर उसे अपने हाथ के बीच में दबा कर और रोल करके उसको गोल शेप दीजिए। शेप देने के बाद इसे हाथों के बीच में घुमाइए और घुमाने के बाद इसे थोड़े से नारियल के बुरादे में रोल करिए। रोल करने के बाद इसे फिर से हाथ के बीच में घुमाइए ताकि एक्स्ट्रा नारियल निकल जाए और लड्डू बनके आपका तैयार है। तो आपने देखा ना कितनी इजी रेसिपी थी और कितनी जल्दी बन गई। और आप इतने मिक्सचर से, मतलब 2 कप नारियल के बुरादे से, आप कम से कम मीडियम साइज़ के 14 लड्डू बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, मेरी दिवाली स्पेशल रेसिपी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। और अगर आपको ये चैनल में ऐसी ही रेसिपीज़ चाहिए और इससे भी अच्छी रेसिपीज़ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको ये दिवाली रेसिपी अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि आपकी फ्रेंड्स और फैमिली भी बनाए तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। और इसे आई होप अगर आप ये बना रहे हैं तो आप इसके रिजल्ट्स कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हैप्पी कुकिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।